आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं राज किरण हूं आपके साथ। रवीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बर्खास्त कर दिया है। कुछ दिन से लगातार इसकी चर्चा हो रही थी। नजम सेठी नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण पाकिस्तान की इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज में 3-0 से मिली करारी हार बताया जा रहा है। इंग्लैंड ने पाक टीम को उन्हीं के घर में बुरी तरह क्लीन स्वीप कर दिया। इसके बाद से ही बात होने लगी थी कि रवीज राजा की कुर्सी जा सकती है और यह खबर तब आई है ऐसे में जब पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीसीबी के अध्यक्ष को बदलने की मंजूरी जो है वो दे दी है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पिछले साल से रवीज राजा इस पद को संभाले हुए थे, लेकिन अब उन्हें इस पद से अचानक बर्खास्त कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी, उसके बाद से ही वह आए दिन सुर्खियों में बने रहते थे। तभी से उन पर खिलाड़ियों को पसंद और नापसंद करने के कई आरोप भी लगते रहे हैं। इसके साथ साथ बीसीसीआई पर भी वो बहसबाजी बयानबाजी करते नजर आ रहे थे। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कारण कोई एक नहीं है। जब से बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने ये बयान दिया था कि भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा, तब से ही इस पर विवाद छिड़ा हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।